सैकड़ों एकड़ जमीन, आदिवासी जमीन को उन्होंने खरीदने का, लूटने का उन्होंने काम किया है। उनके प्रवक्ता ने उल्टी चोर कोतवाल को डांटे वाला चरितार्थ को उन्होंने कहता है, खुद तो चोरी कर रहा है और दूसरे तो सिरा चोरी करने के लिए भी आगे आ रहा है। उन्होंने झारखंड अलग राज नहीं किया, बल्कि इन्होंने झारखंड को कांग्रेस के हाथ में गिरवी रखने का काम किया, बेचने का काम किया। वार्ता के आधार पर मैं आप लोगों से जानकारी देना चाहता हूं या बात को रखना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और उनके प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कहा है कि डराए नहीं, अगर हम नाराज हुए तो गुल हो जाएगी देश की बत्ती। मैं उसी विषय पर आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 14 तारीख को हेमंत सोरेन जी को ईडी ने उसको समन जारी किया है, क्योंकि हेमंत सोरेन जब से इस राज्य का मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने आदिवासी के जमीन को, सैकड़ों एकड़ जमीन, चाहे वो रांची हो, बोकारो हो, धनबाद हो, साहेबगंज हो, चाहे दुमका हो, भिन्न भिन्न जगहों पर अपने परिवार के नाम से, चाहे वो कल्पना सोरेन हो, चाहे रूबी सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, बसंत सोरेन हो, उनके नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीन, आदिवासी जमीन को उन्होंने खरीदने का, लूटने का उन्होंने काम किया है और इसी का जांच उनका चल रहा है और इसी को लेकर ईडी ने उनको समन जारी किया है कि आपने जो गलत ढंग से सैकड़ों जमीन जो खरीदे हैं उसको आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन उन्होंने ईडी का समान नहीं करते हुए, उनके प्रवक्ता ने उल्टी चोर कोतवाल को डांटे वाला चरितार्थ को उन्होंने कहता है, खुद तो चोरी कर रहा है और दूसरे तो सिरा चोरी करने के लिए भी आगे आ रहा है। मैं भी ये प्रेस मीडिया के सामने भी मैं बात को रखना चाहता हूँ कि ये सरकार शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की बात करता है, लेकिन इतिहास भी गवाह है कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ 5 और 6 सांसद जीतते थे, उस समय केंद्र में पीवी नरसिंह राव जी की सरकार थी, अगर उस समय भी जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, अगर उस समय भी प्रस्ताव रखते कि अलग झारखंड राज्य का, तो उस समय ही पहले ही झारखंड राज्य अलग होता। लेकिन उस समय इन्होंने झारखंड अलग राज्य नहीं किया, बल्कि इन्होंने झारखंड को कांग्रेस के हाथ में गिरवी रखने का काम किया, बेचने का काम किया। ये इसकी इतिहास और चरित्रार्थ है और आज ये लोग इस तरह का बड़ी बड़ी बात करते हैं। भी जब पिछली बार ईडी ने इनको बुलाया था, आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि अनगढ़ा प्रखंड क्षेत्र में भी इन्होंने माइनिंग लीज अपने नाम पर माइनिंग लीज लेने का भी काम किया है। केंद्र सरकार का भी एक योजना आया था कि झारखंड के जनजाति समाज के बेरोजगार युवक युवतियों को अगर कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है या छोटे छोटे उद्योग धंधा करना चाहता है तो वैसे लोगों को भी सरकार जमीन मुहैया करे और वो अपना रोजगार का सृजन कर सकता है। तो उसमें भी आप सभी लोगों को जानकारी होगा, क्योंकि बार बार जानकारी बहुत से लोग नहीं जानते हैं, हमारे भोले भाले यहाँ के आदिवासी जनजाति समाज के लोग, तो उन्होंने भी चान्हो जैसा जगह पर अपने पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से उन्होंने भी सरकारी जमीन वहां पर लीज लेने का काम किया। तो इस तरह से इनका इतिहास और इनका चरित्र रहा है शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन परिवार का। दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को
क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपने स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।